पेयजल संकट को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए नगरपालिका के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर, सेल्फी खींचकर भेज दी कलेक्टर को, कलेक्टर ने भी दिया जांच का तुरंत आदेश, नगरपालिका की टीम ने किया समस्या का समाधान, एक कर्मचारी हुआ सस्पेंड। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये नजारा शोले फिल्म का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल के टैगोर वार्ड का है, जहां नगरपालिका के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर संजय शुक्ला पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल शहर के मध्य स्थित टैगोर वार्ड, जहां नगरपालिका अध्यक्ष अल्केश आर्य खुद रहते हैं, इस वार्ड में पिछले 8 दिनों से नल में पानी नहीं आ रहा था। इसी वार्ड में रहने वाले संजय शुक्ला सोमवार को पुलिस ग्राउंड स्थित उस पानी की टंकी पर चढ़ गए जहां से इस वार्ड में पानी की सप्लाई होती है। संजय शुक्ला ने टंकी पर चढ़ने के बाद पहले तो खुद सेल्फी ली और उसके बाद कलेक्टर तरुण पिथोड़े को और उसके बाद फोटो कलेक्टर को व्हाट्सअप कर दी। साथ ही उन्हें एक मैसेज भी कर दिया कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि पानी की टंकी भर चुकी है, जबकि पानी की टंकी खाली पड़ी हुई है और पिछले 8 दिनों से टंकी में पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से वार्डों में सप्लाई नहीं हो रहा है पानी, और जब तक टंकी में पानी नहीं भरता मैं टंकी से नीचे नहीं उतरूंगा। टीएल की बैठक ले रहे कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रियंका सिंह को निर्देश दिया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। सीएमओ के निर्देश पर सहायक यंत्री महेश अग्रवाल, सब इंजीनियर राहुल शर्मा सहित टीम मौके पर पहुंची और पेयजल व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देकर संजय शुक्ला को नीचे उतरवाया। इस कयावत के बाद सोमवार को फिल्टर प्लांट से भरी जाने वाली पुलिस ग्राउंड स्थित पानी की टंकी भरना शुरू हो गई। शुक्ला का कहना है कि आम नागरिक के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, यदि 3 वार्डों में पेयजल समस्या सप्लाई नहीं हो रही है तो आवाज उठाना मेरा अधिकार है। इधर इस मामले में आनन फानन में सीएमओ ने बाल मंदिर में पेयजल सप्लाई देखने वाले एक अधिकारी को फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत दी कि पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई तो अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। क्या समस्या थी और आपने क्या किया उसको लेकर? मैं टैगोर वार्ड का निवासी हूँ और मेरे वार्ड के साथ साथ राजेंद्र वार्ड और लोहिया वार्ड में भी। आप नगरपालिका में कुछ हैं? नगरपालिका का मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ जी, और टैगोर वार्ड की पानी की टंकी से ही राजेंद्र वार्ड और लोहिया वार्ड में भी पेयजल की सप्लाई होती है। विगत 8 दिनों से पेयजल सप्लाई पूरी ठप पड़ी हुई थी, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ये हवाला दे रहे थे कि टंकी पूरी भरी हुई है, पंप ऑपरेटर सप्लाई नहीं कर रहा है, जबकि पंप ऑपरेटर से बात करने पर पंप ऑपरेटर का ये कहना था कि टंकी में पानी ही नहीं है। दोनों झूठ बोल रहे थे। मैं आज स्वयं टंकी पे चढ़ा और टंकी पे चढ़ के मैंने जब देखा तो टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं था। मैंने वहीं से फोटो खींची और सेल्फी भी खींचा, साथ ही कलेक्टर को वहीं से मैसेज के व्हाट्सअप किया और साथ ही फ़ोन लगा के बोला भी कि मैं खुद टंकी पे बैठा हुआ हूँ लेकिन टंकी में एक भी बूंद पानी नहीं है और तीनों वार्डों में 8 दिन से सप्लाई नहीं हुई है। कलेक्टर टीएल की बैठक ले रहे थे, उस टीएल की बैठक में सीएमओ भी मौजूद थी। कलेक्टर साहब ने वहीं निर्देश दिए और सीएमओ के निर्देश पर फिर सहायक यंत्री महेश अग्रवाल, राकेश चौरसिया, सब इंजीनियर राहुल शर्मा सहित अन्य कर्मचारी लोग टंकी के पास पहुँचे और मुझसे निवेदन किया कि आप नीचे उतर जाओ, आपको पेयजल सप्लाई कर दी जाएगी। उसके बाद मैं टंकी से नीचे उतरा और 2 बजे के करीब अभी टंकी भरना शुरू किया गया है। बताएं ये टंकी पर युवक के चढ़ने का क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में है और इस मामले में किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो अभी ब्रेकडाउन हुआ था, ताप्ती से पानी नहीं आ पा रहा था, वो ब्रेकडाउन लगभग 2.5 दिन का था, तो उस वजह से हमारी जो सप्लाई है वो सारी आगे आगे शिफ्ट होती चली गई। जहाँ हमें 1 दिन बाद सप्लाई कर देना चाहिए था वहाँ पे हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया। उस वजह से जो टैगोर वार्ड में समस्या आई, ये टंकी भर नहीं पाई थी और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो ये समझ में आया कि टंकी पूरी नहीं भरने का रीज़न था कि उसकी वॉल्व की जो चूड़ी है वो कम खुली थी। तो संबंध फिर एक युवक वहाँ चढ़ गए ऊपर, उन्होंने देखा कि टंकी में पानी कम है, इस वजह से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। फिर हमारे जो जिसको टंकी खोली दी थी इसकी जिम्मेदारी थी, उन्हें हमें सस्पेंड किया है। आज सस्पेंशन करके वहाँ दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है और अभी टंकी भर गई है और सप्लाई रेगुलर हो गई है वहाँ पर।